एडीआर और यूपी इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग है। इसके लिए शनिवार शाम को प्रचार थम गया। इस चरण में खड़े उम्मीदवारों में से 114 आठवीं तक पढ़े हैं, जबकि 12 अनपढ़। इसका खुलासा यूपी इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 102 प्रत्याशी परास्नातक और 6 पीएचडी धारक हैं। 584 प्रत्याशियों के शपथ पत्रों का मंथन किया। दूसरे फेज में प्रदेश के अमरोहा, बरेली, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, संभल और शाहजहांपुर में चुनाव। इस चरण में 586 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रिपोर्ट में 584 उम्मीदवारों के हलफनामे की समीक्षा की गई है। 2 प्रत्याशियों के हलफनामे का अध्ययन नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 12 उम्मीदवार अनपढ़, 67 साक्षर, 12 पांचवी पास, 35 आठवीं पास, जबकि 58 दसवीं और 88 उम्मीदवार बारहवीं पास हैं। 108 प्रत्याशी स्नातक, 79 स्नातक पेशेवर, 102 परास्नातक, 6 पीएचडी, 5 डिप्लोमा धारक हैं। 2 उम्मीदवारों ने शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं किया। 25 से 90 तक की उम्र के उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत। रिपोर्ट के मुताबिक इस चरण में खड़े उम्मीदवारों की उम्र की बात करें तो 56 उम्मीदवार 25 से 30 के बीच, 150 प्रत्याशी 31 से 40 साल की उम्र के बीच, 189 उम्मीदवार 41 से 50 आयु वर्ग के बीच, 130 प्रत्याशियों की उम्र 51 से 60 के बीच और 62 उम्मीदवारों की आयु 61 से 70 साल के बीच है। वहीं 6 उम्मीदवारों की उम्र 71 से 80 और 1 प्रत्याशी की उम्र 81 से 90 साल के बीच है। 88% पुरुष, 12% महिलाएं। इस चरण में 88.2% यानी 515 उम्मीदवार पुरुष और 11.8% यानी 69 उम्मीदवार महिलाएं हैं। क्या कह रहे हैं मुकदमों के आंकड़े? यूपी इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने यूपी इलेक्शन 2022 के दूसरे फेज में चुनाव लड़ने वाले 586 में से 584 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों पर रिपोर्ट जारी की है। 55 विधानसभा सीट पर हो रहे चुनाव के दूसरे चरण में उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामलों में पहले स्थान पर रामपुर से सपा के मोहम्मद आजम खान हैं, उन पर 87 मामले हैं। दूसरे स्थान पर चमरौआ से सपा के नासिर अहमद खान हैं, उन पर 30 मामले हैं। तीसरे स्थान पर सपा के स्वार विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान हैं। 586 उम्मीदवारों में 147 पर केस दर्ज। इसके साथ दूसरे दौर में चुनाव लड़ने वाले कम से कम 147 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें 113 पर गंभीर आरोप हैं। प्रमुख दलों में सपा के 52 उम्मीदवारों में से 35 और कांग्रेस के 54 में से 23 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसी तरह बसपा के 55 उम्मीदवारों में से 20, बीजेपी के 53 में से 18, राष्ट्रीय लोकदल के 3 में से 1 और आम आदमी पार्टी के 49 में 7 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 55 विधानसभा सीटों पर 14 को वोटिंग। बता दें कि यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, जबकि दूसरे फेज के लिए 14 फरवरी को मतदान है। यूपी में 14 फरवरी को 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर की 55 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा उसी दिन उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों पर वोटिंग होगी। बहरहाल 14 फरवरी को गोवा, उत्तराखंड और दूसरे फेज के लिए यूपी में चुनाव होने हैं, जबकि मतों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। आगामी सत्ता आखिर किसके हाथ में जाएगी, इसका फैसला जनता अपने मतों से करेगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।